हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आपको NS400Z मिल जाती है और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिल जाते हैं इसके। तो अभी ग्रे वाला, ये ब्लैक वाला, ये रेड वाला एंड एक वाइट वाला और है जो लोग ट्रैक पे राइड कर रहे हैं फिलहाल। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम थोड़े थंबनेल से नॉल ले रहे हैं बाइक के और इस वीडियो में मैं डेफिनेटली आपको बताने वाला हूँ कि ये माइलेज कितना देती है। कंपनी क्लेम कर रही है कि ये देती है 28 km/h का माइलेज, बट जहाँ तक मुझे लगता है 24 से 25 के बीच इसका माइलेज आप एक्सपेक्ट करना। इसमें तो है, चलो माइलेज टेस्ट हो जाएगा। हाँ, इसमें तो वापस आके डला लेंगे अभी। इसको भाई फुल कर दो, इसमें वैसे है, इसमें भी पूरा ही है। नॉइस आधा प्लेन क्या चीज़। अच्छा, बाइक से उतरे, ओके ठीक है ठीक है ठीक। इसमें तो है भैया, इसमें 1-2 लीटर ही आएगा, बाकी सब में फुल कर दीजिए। उसके लैप्स मारने वाले ना? हाँ, क्या है इसमें रेंज तो है। सारी फुल करा लेंगे ना, अभी अगर खाली होगी तो फिर करा लेंगे। बस 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 बस, हाँ एकदम ऊपर तक आ गया, ठीक है। सारा मेरे को टोटल करके आप बता देना, ठीक है। सो अभी एकदम ऊपर तक हमने फुल करा लिया है एंड टाइम है इसको ज़ीरो करने का। इसको ज़ीरो कर देते हैं, बाइक की जो ट्रिप्स हैं उनको। व्हीकल इन्फो, ट्रिप एंड बाइक, थोड़ा सा और रिस्पॉन्सिव होता है जैसे ड्यूक में होता है तो ज़्यादा बेटर रहता। इसको ज़ीरो कर देते हैं, फिर लास्ट में हम फिर से फुल करा लेंगे तो हमें माइलेज पता चल जाएगा बाइक का। रीसेट का ऑप्शन ऐसे है, ट्रिप ए ज़ीरो कर दी एंड ट्रिप बी भी ज़ीरो कर देते हैं, तो 12 लीटर्स का टैंक मिल जाता है एंड दोनों ट्रिप्स हमने ज़ीरो कर दी। अब हमें लास्ट में माइलेज मिल जाएगा कि कितना माइलेज दिया है बाइक ने। लेट्स गो, अभी बहुत हार्ड एंड फास्ट राइड होने वाली है, रिव्यू होने वाला है, 3 बाइक के साथ परफॉर्मेंस टेस्ट होने वाला है, तो ये तो मत सोचना कि मैं इसको आराम से चलाने वाला हूँ, बिल्कुल भी फुल पावर चलने वाली है बाइक ये। फुल करा लेना भाई, अरे पैसे मत देना, पैसे मत देना। नहीं नहीं नहीं, तुम पे मत कर, अरे भाई क्या कर रहे हो यार। नहीं नहीं नहीं, पे मत करो, पे मत करो भाई। नहीं 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 भाई, इससे मत लेना, मत लेना पैसे, मत लेना इससे। लो तीनों का प्लस करके 4 का जितना हुआ आप टैप कर लो। सो सारी चीज़ें ज़ीरो करके अब हम निकल चुके हैं बाहर फ्यूलिंग स्टेशन के। सबकी टंकी फुल करवा दी गई हैं और सब अब इन्जॉय करने वाले हैं। देखो यार, जो आपके लिए आते हैं तो ये सब अपने भाई हैं यार। इतनी गर्मी में अगर कोई आपके लिए इतना कर रहा है ना, तो दैट मीन्स अ लॉट मैन। मतलब सच में बहुत दिल से खुशी होती है कि यार इतना प्यार करते हो आप लोग, इतनी हेल्प करते हो, कहीं भी चले जाओ पूरे इंडिया में, दिल खुश हो जाता है भाई। तो जितने भी लोग मेरे लिए आए, सारे भाइयों को अपने थैंक्स यार दिल से। बाइक में अगर आपको ओवरटेक करना है तो जो इनिशियल टॉर्क है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको गियर डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ही ऐसे सिनारियो होंगे जहाँ पे आपको गियर डाउन करना पड़ेगा, मुझे लगता है जब आप डबलिंग पे होगे तब आपको गियर डाउन करना पड़ेगा। और वैसे जो लोग भी बाइक परचेज करते हैं, एक चीज़ मुझे 100% श्योर है कि बाइक जब थोड़ा चल जाएगी, जब इसकी सर्विस एंड ऑल हो जाएगी, तो ये बाइक की जो टॉप स्पीड है वो और ज़्यादा खुलेगी और फील होगा, क्योंकि अभी बाइक हल्का सा बंधी हुई चल रही है। जैसे एक नई बाइक चलती है और नई बाइक है अभी, तो वैसे ही चल रही है ये अभी। मिरर्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा फील्ड ऑफ व्यू है, वाइब्रेशंस थोड़ी सी है, बाकी 35 Nm का जो टॉर्क है वो भी काफ़ी वेल डिस्ट्रीब्यूट किया है थ्रू आउट द पावर बैंड। तो डेफिनेटली टॉप एंड में उतना ज़्यादा आपको कुछ वो नहीं लगता, बट इनिशियली सिटी में जब आप राइड करोगे तो आपको टॉर्क की कमी कहीं भी फील नहीं होने वाली है। क्लच भी बढ़िया सॉफ्ट साइड पर है, पिछली ब्रेक भी सही है, अगली ब्रेक भी ठीक है। ड्यूक जितनी शार्प मत समझना, और ड्यूक देखो लेफ्ट में जा रही है, कंपेरिजन के लिए क्या लग रही है भाई। KTM ने RC के साथ जो किया, ड्यूक के साथ उसका उल्टा कर दिया। ड्यूक क्या सेक्सी बना दी, वैसे अपनी Gen 3 वाली, Gen 2 वाली भी बहुत सेक्सी है, उस वो भी बहुत शार्प लगती है। इसको थोड़ा और बल्क दे दिया तो एक 400cc कैटेगरी की मोटरसाइकिल को ये और अच्छे से जस्टिफाई करती है। बढ़िया, हमारे पीछे चल रही है R15, जिसकी प्राइसिंग इस टाइम अगर ऑन रोड लखनऊ देखो तो 2,20,000 है, और इसकी प्राइस भी 2,20,000 से 2,30,000 के बीच में होने वाली है। और अगर R15 का आप एकदम टॉप एंड वेरिएंट लोगे, विच इज़ M या जो भी मॉन्स्टर एडिशन आता है क्विक शिफ्टर के साथ, तो 2,30,000 का ऑन रोड पड़ता है, और ये उससे कम की ही होने वाली है, 2,30,000 के नीचे ही रहने वाली है। तो नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि आपको R15 चाहिए कि NS, बिकॉज पावर फिगर्स आर वे हायर मैन। डबल पावर है, डबल से भी थोड़ा सा ज़्यादा पावर है इसमें भाई, बढ़िया खींच रही है। और काफ़ी लोग इस बाइक को कंपेयर करेंगे, जैसे मैं खुद कंपेयर करूंगा इसको ड्यूक 390 से, क्योंकि 400cc सेगमेंट में आ गई। बट एक चीज़ हमें दिमाग में बहुत ज़्यादा रखनी है, वो ये कि जिस प्राइस की ड्यूक 390 है उसमें 1.5 NS आ जाएगी, 1.5 NS बाइक आ जाएंगी पूरी, और 1.5 क्या ऑलमोस्ट 2 NS आ जाएंगी भाई जिस प्राइस की ड्यूक आती है। ड्यूक की प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, काफ़ी महंगी हो चुकी है ड्यूक,
और आज की महंगाई में हमें सिर्फ बजाज समझ रहा है क्योंकि बजाज ने इसको इतना 1,85,000 एक शोरूम 400 cc बाइक एक 200 cc के प्राइस में, इवन एक 150 cc के प्राइस में अगर R15 से कंपेयर करते हैं इसको। और पुणे में क्या है ना, पुणे में अगर आप आ रहे हो तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि भाई यहाँ पे स्पीड ब्रेकर नहीं है, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है भाई। अगर आप बाइक भगा रहे हो और एक स्पीड ब्रेकर आ गया तो आप एटलीस्ट आधा फिट ऊपर उछलोगे बाइक पे, तब उसके बाद आप नीचे आओगे, फिर आप सोचोगे ये मेरे साथ हुआ क्या। तो इसलिए मैं बड़ा धीरे चला रहा हूँ, जब तक हाईवे नहीं मिल जाता है पुणे में बिल्कुल भी स्पीडिंग मत करना। बहुत बड़े स्पीड ब्रेकर्स हैं भाई, बहुत ही बड़े स्पीड ब्रेकर्स हैं। मतलब मुझे तो लग रहा है यहाँ पे अगर कोई लो कार ले आए, अपनी सिविक ले आए, लोवर्ड या स्विफ्ट ले आए या पोलो ले आए, तो भाई फ्रंट का जो बॉडी किट है वो तो नीचे ही चिपका रहेगा। अपने शहर में मैं तो स्विफ्ट भगाता भगाता हूँ मस्त, तो इतने बड़े स्पीड ब्रेकर नहीं है कि बॉडी किट लड़ जाए। हाँ तो भाई यूँ तो अगर आप हल्का सा तेज चले गए तो काम हो जाना है। अब एक बार खींचा तो 26 km/h आ गया, अभी यहाँ पे ड्यूक 390 होती है, एक बार खींचा होता कसम से 16-17 पे आ जाती भाई। इतने टाइम का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, और वो देती भी 16-17 अगर भगा देते पूरा खींच के। ड्यूक को आराम से चलाओ हाईवे पे, अगर चलाओ तो ड्यूक से मैंने निकाला है ऑलमोस्ट 30-33 km/h का माइलेज। बट अगर आप थोड़ा सा तेज चलाते हो, सिटी में ड्यूक का माइलेज रहता है समवॉट 20-21-18 ऐसे ही, और अगर बहुत गंदी चलाते हो तो 15-16 रहता है। तो ड्यूक को एक सुपर बाइक से कम मत समझो ड्यूक उस लेवल की बाइक है। एंड KTM इज़ वेरी सीरियस अबाउट मोटरसाइकिल्स, स्पेशली जो बड़े कैटेगरी की हैं। 125 तो मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि लो, उससे बेटर तो फिर अपनी R15 है भाई। R15 MT बहुत बेटर है उससे, ड्यूक 125 से बेटर MT15 है चलने में, और RC 125 से बेटर R15 है चलने में एनी डे। KTM लेना है तो 200 से KTM शुरू होती है, जिससे KTM लॉन्च हुई थी इंडिया में, उससे नीचे मत जाना, उसके नीचे बिल्कुल फन नहीं है, स्कूटी हरा देगा वो आपको थोड़ा ज़्यादा हो गया लेकिन ठीक है। वादियों की तरफ आ चुके हैं, मतलब मौसम ऑफकोर्स वादियों वाला नहीं है, बट वादियाँ तो वादियाँ ही हैं भाई। व्यू बहुत खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लग रहा है, और हमने चला दिए 19 किलोमीटर NS 400Z, और जो फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा है एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दैट इज़ 27 km/h, दैट्स रिमार्केबल मैन। इतना भगाने के बाद फ्यूल इकोनॉमी जो बजाज ने प्रॉमिस करी थी वो डेफिनेटली इस बाइक में आपको मिलने वाली है। अभी आप पूरा ऑलरेडी 20 km हमने राइड कर ली, पूरा शूट एंड ऑल निपटा लेते हैं, उसके बाद मैं ये वाला ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा, बिकॉज जब तक हम बहुत ज़्यादा चलाएंगे नहीं तब तक हमें एकदम एग्जैक्ट माइलेज नहीं मिलेगा, और ये रियल वर्ल्ड माइलेज वाला वीडियो है। One eternity later. तो अभी बाइक चल चुकी है 65 km और हम इसको रिफ्यूल कराने जा रहे हैं, और देखते हैं कितना माइलेज दिया। अकॉर्डिंग टू स्पीडोमीटर जो बाइक में दिखाता है दैट इज 26 km/h दिखा रहा है, 12 लीटर्स का फ्यूल टैंक है। लेट्स सी कितना माइलेज दिया इसने, एग्जैक्ट निकल आएगा। अभी मैंने कहा यार सब कर ही रहे तो माइलेज टेस्ट भी कर ले, एक दिन कुर्बान कर दिया अपने आप को। नीचे उतर जाऊँ बाइक से, ठीक जी टेस्टिंग बाइक है, हाँ हमें फ़ोटो वोटो लेनी है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। एक मैं पकड़ लूँ ऐसे, ठीक है आप ऑन कर दीजिए। हाँ आप कर दीजिए, आप कर, हाँ भर गया। गाड़ी चली है 3 लीटर फ्यूल में, एग्जैक्ट 3 लीटर फ्यूल पिया है इसने 65 किलोमीटर्स। तो अगर माइलेज की बात करें तो 21-22 समथिंग आ रहा है एग्जैक्ट, मैं अभी आपको फ़ोन में करके दिखा देता हूँ, पॉइंट्स में आएगा एक्चुअली। और बाइक बता रही थी 26 दे रही है, बट मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ बाइक ने कितना माइलेज दिया है आपको, रिटर्न किया है डिवाइड बाय 3, 21.6 का माइलेज दिया है। तो बाइक ने दिया है 21.6 का माइलेज, और जो यहाँ पे माइलेज इंडिकेट कर रही है दैट इज़ 26 km/h, बट ऐसे डेली यूज़ अगर आप करोगे तो आराम से 25 से 28 का ये माइलेज निकाल देगी, जितना कंपनी क्लेम कर रही है 25 तक निकाल देगी, क्योंकि अभी हम लोग बहुत रफ चला रहे हैं, बहुत हार्ड एंड फास्ट चला रहे हैं। तो इसीलिए मैंने फुल टैंक से फुल टैंक वाला माइलेज टेस्ट किया, उसमें एकदम एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल जाती है। 21 का माइलेज ठीक है स्टार्टिंग में, अभी सर्विस होने के बाद थोड़ा और इम्प्रूव हो जाता है वैसे भी। तो चलो चलते हैं, इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है। कोई बैठ रहा है क्या, है ना सब लोग? तो इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने कहा यार सबसे पहले माइलेज टेस्ट डाला जाए, क्योंकि टिपिकल इंडियन मेंटालिटी होती है कि भाई कितना देती है, हमें तो कहो नासा वाले आ जाए रॉकेट बना दे हम उनसे भी ये पूछ लेंगे कि भाई कितना देता है ये, तो वही सीन है। इसलिए हमने सबसे पहले ट्राई किया कि यार इसका माइलेज टेस्ट कर लिया जाए, और इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है। इंस्टाग्राम हैंडल एक्सप्लोरर फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लो। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, राइड राइट सेफ, स्टे सेफ, एंजॉय गाइस, एंजॉय।